एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीचमेंट। मैं हूं सिमरन और आज आप सभी टीचर्स के लिए, टीचर एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूं। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आपको आपका करियर पाथ चूज करने में हेल्प कर सकती है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आइए, दोस्तों आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बींग अ गेस्ट लेक्चरर। आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि बेनिफिट्स ऑफ बींग अ गेस्ट लेक्चरर पे आज हम बात करने वाले हैं। गेस्ट लेक्चरर कौन होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, एक अच्छे गेस्ट लेक्चरर की क्वालिटीज क्या है, इन सभी बारे में आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हु इज अ गेस्ट लेक्चरर? गेस्ट लेक्चरर ताके होते कौन है? टीचिंग और नॉन टीचिंग प्रोफेशनल्स, गेस्ट लेक्चरर्स टीचिंग या नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं। ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स या किसी भी सेमिनार में जाके लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। डीप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इनके पास काफ़ी डीप नॉलेज होती है, ये अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं और इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। हेल्प स्टूडेंट्स इन एनहेंसिंग नॉलेज, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी नॉलेज एनहेंस करने में किसी भी टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ और मुझे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में काफ़ी नॉलेज है, एक्सपर्ट हूँ मैं उस चीज़ में, सो आई विल कम एंड डिलीवर अ लेक्चर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होंगे उस टॉपिक के बारे में वो मैं क्लियर करूँगी। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इनवाइट गेस्ट लेक्चर्स, जैसे कि मैंने बोला स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज गेस्ट लेक्चर्स को इनवाइट करते हैं। मैंने यहाँ पे इनवाइट क्यों बोला, क्योंकि ये गेस्ट लेक्चरर्स जो होते हैं दे आर नॉट अ परमानेंट टीचर्स इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट टीचर्स हों वहाँ पे, अनलाइक योर अदर टीचर्स जो रोज़ आपकी क्लासेस लेते हैं, ये आपके पास हफ्ते में एक दो बार या तीन बार आएंगे अपने गेस्ट लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एक गेस्ट लेक्चरर बनने के बेनिफिट्स क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ गेस्ट लेक्चरर? इंटरैक्ट विद डिफरेंट पीपल। इमेजिन आपको हर हफ्ते नए बच्चों से मिलने का मौका मिले, उनसे आइडियाज डिस्कस करने का मौका मिले, उनका पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिले, चीज़ों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का मौका मिले, तो कितना अच्छा लगेगा। आप हर बार नए फेसेस से मिल रहे हैं, नए आइडियाज से मिल रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव से मिल रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे नए नए लोगों से मिलना पसंद है, उनसे इंटरेक्ट करना पसंद है, गेस्ट लेक्चररशिप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। Enhances and polishes skills. इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि अगर कोई इंसान गेस्ट लेक्चरर बना है तो वो अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट होगा, लेकिन क्या आपने ये बात सुनी है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट? अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में और इन्हेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ पर्क्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग के बेनिफिट्स के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो हर बार जब मैं वो लेक्चर डिलीवर करूँगी मैं अलग अलग एग्जांपल्स यूज़ करूँगी, मैं अलग अलग बेनिफिट्स ढूँढूंगी और शायद बाकी सब बच्चे भी अपने फीडबैक्स के थ्रू मुझे नए नए पर्सपेक्टिव्स बताएंगे, तो मेरी नॉलेज एनहेंस और पॉलिश होना तय है। बूस्ट कॉन्फिडेंस, ऑफकोर्स जब आप हर हफ्ते, हर महीने नए नए बच्चों के आगे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस टैकल कर रहे हैं, उनके डाउट्स को आंसर कर रहे हैं, उनके फीडबैक्स को ले रहे हैं और खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप होने से कौन रोक सकता है? आई थिंक कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड क्वालिटीज दैट शुड बी देयर इन अ गेस्ट लेक्चरर और एनी अदर पर्सन फॉर दैट मैटर, एंड गेस्ट लेक्चररशिप आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। हैप्पियर पॉकेट्स, आई थिंक हम सबको अपनी लाइफ को एक सही तरीके से जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और कौन नहीं चाहेगा कि अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जीने के लिए वो एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सके, तो गेस्ट लेक्चररशिप आपको हेल्प करती है थोड़ी एडिशनल इनकम जनरेट करने में। जी हाँ, जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं वो ज़्यादातर वीकेंड्स पे या हफ्ते में एक दो बार ही होते हैं, तो टीचर्स को एक एडिशनल इनकम अर्न करने का मौका मिल सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस, जी हाँ, आई थिंक गेस्ट लेक्चरर्स को अनलाइक रेगुलर या परमानेंट टीचर्स, रोज कॉलेज या ये कॉलेज या स्कूल नहीं जाना होता, हफ्ते में एक या दो लेक्चर्स होते हैं या तीन लेक्चर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी यू नो कॉन्ट्रैक्ट दे हैव विद कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, और उसके बेसिस पे उनको जाना होता है, सो दे कैन एक्चुअली डू द अदर थिंग्स दे वॉन्ट टू डू एक्सेप्ट देन ग्रोइंग एज अ प्रोफेशनल। अगर किसी टीचर को पेंटिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, कुकिंग क्लासेस लेनी है, फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है और साथ साथ पढ़ाना भी है, आई थिंक गेस्ट लेक्चररशिप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि
बीइंग अ गेस्ट लेक्चरर वो लेक्चर्स भी दे सकते हैं, इनकम भी अर्न कर सकते हैं और साथ में अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेक्चरर। एक अच्छे लेक्चरर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, मैंने यहाँ पर 5 क्वालिटीज लिखी है जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप एक स्टूडेंट है, आप एक टीचर है या फिर एक एस्पिरेंट है। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया ये गेस्ट लेक्चर्स को हफ्ते में 2 या 3 बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना होता है लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए, तो उनको अपना टाइम उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। बाकी की जो भी चीज़ें वो करते हैं उसके साथ साथ उन्हें अपना लेक्चर्स भी डिलीवर करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट उनको आना ही चाहिए। पेशेंस, जैसा कि मैंने बोला ये गेस्ट लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, उनके फीडबैक्स लेते हैं, इस चीज़ के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनना, शांति से सुनना और फिर जवाब देना। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड यू आर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि एक गेस्ट लेक्चरर बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट से डील करता है, वो बहुत सारे अलग आइडियोलॉजीज के साथ हो सकते हैं, तो अपनी बात को सही ढंग से डिलीवर करना एक गेस्ट लेक्चरर को आना चाहिए। सो आई थिंक कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ मस्ट नीड क्वालिटी। टेक सेवी, आजकल ऑनलाइन टीचिंग का ज़माना है और हर एक बच्चा और हर एक स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग प्रेफर करता है, ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर करता है, तो बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स ऑनलाइन ही कंटिन्यू होते हैं, डिलीवर होते हैं, तो अगर एक टीचर टेक सेवी है, उन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता है, दे हैव गुड हैंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है आपकी स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है तो उनको एनहेंस करने के लिए काम कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंट स्पीकर। एक लेक्चरर को कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक टीचर बोलते हैं वही स्टूडेंट समझते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो अगर आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो आप कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर रहे हैं तो आपके स्टूडेंट्स को वो चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। सो ये थी वो 5 क्वालिटीज़ जो मुझे लगता है एक गेस्ट लेक्चरर में होनी ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एडिशनल क्वालिटीज़ हैं जो इसमें ऐड ऑन की जा सकती हैं, प्लीज़ ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी लर्निंग।